हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे पालक पनीर। ये हमने पालक ले ली आधा किलो, 200 ग्राम पनीर, हरी मिर्च अदरक इसको काट लेंगे बारीक। ये हमने अदरक मिर्ची काट ली है। अब पनीर तेल डालेंगे कढ़ाई में, इसको गरम करेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, पनीर के पीस बना लेंगे हम लोग। जैसे पीस आपको बनाना चाहें आप बना सकते हैं पनीर के पीसेस को। तेल गर्म हो गया, इसमें हम लोग पनीर हल्का फ्राई करेंगे। इस सब्जी में तेल ज़्यादा नहीं डाला जाता है, कम ही डाली क्योंकि पालक जरा सी हो जाती है बनने पे। देखिए निकाल लेंगे, हल्की फ्राई कर ली, बस निकाल लेंगे इसको हम। अब इसमें अदरक हरी मिर्ची का कटा हुआ डाल देंगे हम लोग। 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें पालक डाल देंगे हम। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दें, ढक दीजिए, मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए और बार बार चलाते रहिए। ऐसे पनीर डाल देंगे हम लोग। आप स्वाद अनुसार नमक आप डाल दीजिए। इसमें आप कोई मसाला नहीं पड़ेगा, बस यही पड़ेगा। बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको बना के जरूर देखें। बीच बीच में चलाते रहिए, जब पानी जल जाएगा तो इसको लो फ्लेम कर देंगे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे सब्जी को। बाद में जब पानी जल जाएगा तो लो फ्लेम कर देंगे। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। ये मैं सब्जी बनके तैयार हो गई है।